नमस्कार दोस्तों, आज 10 अप्रैल 2021 को जैसे कि आप सबको पता है कि देश में कोरोना के कारण हालात काफ़ी ख़राब हैं, और जैसे कि हम सबको पहले से ही पता है कि हमारे अस्पतालों की हालत बहुत ही नाजुक है, वो पहले से ही वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना महामारी का एक साल भी हमें कुछ नहीं सिखा पाया, हमारी सरकारों को कुछ नहीं सिखा पाया। हमें अभी जो पहले पिछले साल दिक्कत थी वही अभी भी आ रही हैं, और जो कोविड के कारण जो नॉन कोविड केयर है वो बहुत सफ़र हो रही है, हम सबको इस बात का अंदाज़ा है। लेकिन अभी इतने केसेस एकदम से आए हैं कि सारा जो हेल्थ केयर वर्कर्स का डाइवर्जन है वो फिर से कोविड की तरफ करना पड़ा है। तो आप अपनी तरफ से इतना कर सकते हैं कि आप अपने घर पर रहें, सावधानी बरतें, और जहां आवश्यक ना हो वहां ना जाएं। नेताएं रैली करेंगे और भी दूसरे आयोजन करेंगे, वो उनकी मजबूरी हो सकती है, हो सकता है वो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपके लिए आपके परिवार की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बार जैसे कि देखा गया है कि ज़्यादा जवान लोगों में और बच्चों में ये ज़्यादा अपना कहर बरपा रहा है, और जिनके भी जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स की अगर मैं बात करूं, जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी पूरी पूरी फैमिली पॉजिटिव आ रही है। तो आपको और हमको मिलके अपना ख्याल स्वयं रखना है, और बेड्स की बहुत किल्लत हो रही है हर जगह। आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो सचेत रहें, सतर्क रहें, कोई पार्टी ना करें कहीं, अपने आसपास के लोगों से ही आपको कोरोना हो सकता है, आपको कोई नेता आके ये इन्फेक्शन नहीं देके जाएगा। तो आप आपस में जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग का मास्क लगाएं। ये मैं मास्क लगा के इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत से लोग बात करते हुए मास्क उतार लेते हैं, वो समझते हैं कि मास्क उतार के ही बोला जा सकता है। बहुत से मरीज भी हमें दिखाने आते हैं तो वो उस टाइम पे एकदम से हमारे सामने मास्क उतार लेते हैं और फिर अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। हमने जो बाहर उसमें जो लगा रखा है ग्लास का, उसमें से भी जहाँ से हमने रिपोर्ट से कार्ड देने की जगह दी है, लोग वहाँ से ऐसे करके बात करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए, और इन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। और जो बर्थडे पार्टीज हैं या आपकी वैसे जो आप गेट टुगेदर करते हैं उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। आप जहाँ ड्यूटी जाते हैं आप ड्यूटी जाइए, लेकिन वहाँ पर मील शेयर मत कीजिए। आपस में जो हमारी आदत है कि हम साथ मिलकर बैठकर खाना खाते हैं वो ना खाएं, और कैंटीन में या जो आपके वहाँ जो भी ऐसी गैदरिंग वाली जगह है जहाँ पर आपको मास्क उतारना पड़ेगा, ऐसी जगह ना जाएं। अपना काम करें, पूरी सावधानी के साथ करें, और ये जो कुछ समय है इसको सावधानी से इसमें बच कर निकल जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और खुदा ना खास्ता अगर आपको हो जाता है तो टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर आपको सिम्टम लगते हैं तो टेस्ट ज़रूर कराएं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर जिसका भी टेस्ट हो रहा है उसका पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि पॉजिटिविटी रेट धीरे धीरे बढ़ा है, अभी तक भी 100% नहीं हुआ है कि जिसका भी टेस्ट हुआ है उसका पॉजिटिव आया है। लाखों टेस्ट होते हैं उसमें से अभी तक 10% तक ही पॉजिटिव रेट है। तो ऐसा नहीं है कि जिसका भी टेस्ट हुआ है उसका पॉजिटिव ही रिजल्ट आया है। तो अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप अपना टेस्ट करा सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आपको ट्रेसिंग करने में, दूसरे लोगों से फैलाने में इसमें मदद मिलेगी, और आपके परिचित आपके प्यारे उन लोगों को आप फैलाने से बच सकते हैं। हो सकता है कि इतने लोगों में से जो मोर्टलिटी रेट है वो भी हम बोलते हैं कि बहुत कम है, ऐसी चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर 1% भी कहूँ, आप अपने परिवार के लिए अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो 100% ही हो जाता है। तो
आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपना ध्यान स्वयं रखें, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, सबको समझाएं कि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इन सब चीज़ों का पालन ज़रूर करें। और अगर आप वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। भ्रांतियों में मत जाएं, भ्रांतियां ना फैलाएं। जो रिएक्शन की या जो इस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी हो रहा है, तो वैक्सीन लगवाने के बाद जिन्हें हो रहा है उनमें माइल्ड रहता है, उनमें उतना सीरियस नहीं होता है। और जो जैसे कि अभी डॉक्टर्स में भी जिनमें वैक्सीन लगा उन्हें पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उनमें जो बीमारी है वो इतनी गंभीर नहीं हुई है। तो और जितनों को लगा है उसमें से परसेंटेज भी बहुत कम है। तो हमें वैक्सीन लगवाने के बाद भी प्रिकॉशंस लेनी है, लेकिन एक प्रोटेक्शन हमें वैक्सीन देता है। आप जल्द से जल्द अगर आप एलिजिबल हैं तो वैक्सीन लगवा लें। और कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों जो वैक्सीन अवेलेबल हैं, दोनों ही इक्विवेलेंट हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है। आप जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसे लगवा सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपको किसी को जो है फ़ोन ना करना पड़े और किसी को ऐसी दिक्कत ना आए, क्योंकि बेड की, दवाइयों की, हर तरह की दिक्कत आ रही है। तो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि क्या सच में है? जी हाँ, बिल्कुल सच में है, बेड्स और हॉस्पिटल्स फुल होते जा रहे हैं। जो जो वार्ड हमने बीच में बंद कर लिए थे कि अब कोरोना ख़त्म हो गया, यहाँ से दोबारा से खोलने पड़ गए और सब फुल हो गए हैं। धीरे धीरे आप अपने परिवार का ख्याल रखें।